सोयाबीन की कीमतों में निरंतर तेजी बनी हुई है। जो सोयाबीन MSP से भी नीचे बिक रही थी, अब उसी सोयाबीन में तेजी बन रही है। वर्तमान में सोयाबीन का औसतन भाव मंडियों में 6000 से लेकर 6750 रुपए प्रति क्विंटल तक मिल रहा है। भाव में तेजी आने से किसानों में खुशी देखने को मिली है। किसानों में एक उम्मीद जगी है कि उनकी मेहनत अब धीरे धीरे रंग ला रही है। ये किसानों की ही मेहनत है जिससे अब जाकर कहीं उन्हें सोयाबीन के भाव कुछ बढ़त के साथ मिल रहे हैं। किसानों ने अपनी सोयाबीन की उपज में तेजी लाने के लिए काफी मेहनत की है, दिन रात एक किया है, तब जाके उन्हें ये दाम मिले हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब सोयाबीन की बुआई के समय किसानों ने 10,000 रुपए प्रति क्विंटल के दाम पर बीज खरीदा था, तो किसानों को 6,750 रुपए प्रति क्विंटल सोयाबीन के भाव मिलने से फायदा कैसे हुआ? इसमें ये कहा जा सकता है कि उन्हें पहले के मुकाबले कीमतें कुछ सुधर कर मिलना शुरू हुई हैं। लेकिन ये कहा जाए कि किसानों को इन कीमतों पर फायदा हो रहा है, ये पूरी तरह से सही नहीं होगा, क्योंकि जब बीज ही 10,000 में खरीदा है, फिर बाकी लेबर, खाद, ट्रांसपोर्ट की लागत, इन सब को जोड़कर देखा जाए तो 10,000 रुपए प्रति क्विंटल भी सोयाबीन के दाम किसानों की लागत के हिसाब से कम ही है। सिर्फ यही नहीं, किसानों ने बारिश की मार भी झेली है। इस बार भारी बारिश की वजह से किसानों की सोयाबीन की फसल बड़े पैमाने पर नष्ट भी हुई है, जिसका उन्हें अभी तक कोई मुआवजा या किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली है। ऐसे में अब किसानों के पास अपनी सोयाबीन में और तेजी लाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, वो है सोयाबीन का स्टॉक करके चलना, जो कि ज्यादातर किसान अब कर भी रहे हैं। अगर किसान अपनी सोयाबीन कुछ महीने और रोक लेंगे तो वो दिन भी दूर नहीं जब उनकी लागत के साथ उन्हें सोयाबीन के दाम मिलेंगे और मुनाफा भी होगा। जानकार भी किसानों को अभी सोयाबीन रोक कर चलने की सलाह दे रहे हैं। सोयाबीन में ये जो तेजी बनी है वो किसानों के लिए किसी जीत से कम नहीं, और आगे भी जो तेजी बनेगी वो भी किसानों की एक बड़ी जीत ही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।